तो दोस्तों देखिए स्पॉटेड डियर्स का पूरा ग्रुप है, मेल फीमेल दोनों है, तमाम की लाल है। ये मोर बैठा दोस्तों, लवली। दोस्तों देखिए वो स्पॉटेड डियर जाते हुए आगे रोड पर है, एक बच्चा है और एक बड़ा वो है, देखते हैं। दोस्तों देखिए ये है माँ और बच्चे का प्यार, और ये देखिए ये है चौकीदार। कॉलिंग हो रही है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अदीप और ये हमारे छोटे भाई फैसल। तो देखिए जा रहे हैं एक अलग जंगल में, अलग रूट पर, ऑफ रोड है और आपको हो सकता है वाइल्ड लाइफ देखने को भी मिल जाए। बहुत ज़्यादा घना जंगल है, बहुत ज़्यादा सुनसान रोड है, ट्रैफिक कम ही होगा, हो सकता है ट्रैफिक आता जाता हो, नहीं आता हो, पता नहीं। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, तो बने रहे ब्लॉग के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जैसा बोला था आपको कि काफ़ी ऑफ रोड है, तो आप देख सकते हैं यह है ख़तरनाक जंगल, बहुत ही ज़्यादा घना, तो हो सकता है वाइल्ड लाइफ देखने को मिले। थोड़ा सा इवनिंग टाइम भी हो चुका है, लगभग बज रहे हैं अभी 4:15 बज रहे हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या मिलता है आसपास, देखते हुए चलते रहेंगे हम अपना और आपको दिखाएंगे ये ख़तरनाक और खौफनाक जंगल। जी हाँ, रात में जितना ख़तरनाक उतना खूबसूरत, और जितने जितना ख़तरनाक उतना खूबसूरत। अभी तो लगभग साइटिंग इसलिए अच्छी हो जाएगी दोस्तों, देखिए आसपास जो पेड़ है ना, अभी कुछ हरियाली ज़्यादा हुई नहीं है क्योंकि बारिश सिर्फ एक ही बार हुई है, एक या दो बार हो चुकी है, दो दिन हुई थी। और बाकी जैसे मैंने बोला कि आपको दूर तक ही की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, तो देखो वो दिख गई है, शुरुआत में ही दिखा दिए दोस्तों। राइट हैंड साइड ले लेना थोड़ा सा आगे जाके, बहुत सारा ग्रुप है स्पॉटेड डियर का। मैं एक मिनट और जूम कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो दोस्तों देखिए यह है स्पॉटेड डियर का पूरा पैकेज, फैमिली है पूरी पूरी, ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे ही घूम रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए। देखिए रात में तो इनकी खूबसूरती अलग है, लेकिन दिन में जो है ना चढ़ते रहते हैं और ये थोड़ा सा अंदर जंगल की ओर हैं, तो कम ही दिख पा रहे होंगे जितना कैमरा देख पा रहा है हमारा, और थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड भी हैं। और अरे अंदर चलेगा यार, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए वो चढ़ते हुए देखिए, ये है नेचर, यही जू में देखने का है, मतलब एक मेरे हिसाब से वो मज़ा नहीं आता है जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल रही है जंगल में, प्योर वाइल्ड लाइफ, कितने सुकून से हैं वो। अब ये तो उस साइड को है और अंदर देखते हैं, अंदर तो और भी घना जंगल स्टार्ट हुआ है, चलो फिर देखते हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी कितने सारे रोहड़ी के पेड़ हैं, और जंगल आप देख ही रहे हैं कितना ख़तरनाक है, जितना दिन में लग रहा है ना दोस्तों, रात में उतना उससे ज़्यादा 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 ख़तरनाक है। क्यों? टाइगर की वजह से। आप रोड देख सकते हैं कितनी नैरो है, ये देखिए कितनी नैरो है, और एलिफेंट मिल गया तो फिर गाड़ी दौड़ाने मुश्किल पड़ जाती है दोस्तों, ना बैक कर पाओगे ढंग से ना कुछ। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सारे कॉरिडोर्स बने हुए हैं जानवरों के आने जाने का रास्ता, और जंगल आप देख रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और जंगल का मज़ा ले रहे हैं हम, और आपको भी दिला रहे हैं। ऐसी होती है दोस्तों वाइल्ड लाइफ सफारी भी अपनी, जिप्सी से घूमने का अलग मज़ा है और कार से एक अलग है। जिप्सी में खुले होते हैं तो बस थोड़ी सेफ्टी भी रहती है, हमारे गार्ड सर जो होते हैं वो भी सेफ्टी है, और क्या करना है क्या नहीं करना सब बताते हैं, इसमें हम ही बताएंगे आपको, और हम जो चल रहे हैं और हम ही गाइड हैं, हम ही ड्राइवर हैं, जो है हम हैं, इसलिए ए टू ए टूरिज्म सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा घना जंगल है यार, देखो दोस्तों देखो, यहाँ पर भी है देखो, बस इसका कलर अलग है थोड़ा, हाँ वो लाल थी हमारे वहाँ की, लाल है बिल्कुल। ये मोर बैठा दोस्तों, वाओ लवली लवली मोमेंट है दोस्तों। अब इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को हमारी लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही खूबसूरती। इसका ताज देखो ना कितना प्यारा है दोस्तों, बिल्कुल वयस्क मोर है, अगर इसने पर फैला दिया ना, आहा हा मज़ा आ जाएगा।
कितना शांत बैठा है, इसलिए ही इवनिंग में ये सब चीजें दिख जाती हैं। अभी नाइट में देखो, उतरेगा उतरेगा, देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है मोर। आहा, दिन में इसलिए कहता हूँ मैं कि दिन की वाइल्ड लाइफ ऐसी है, रात में आपको कलर देखने को नहीं मिलेंगे, साफ बात बताए ढंग से। ये कॉलिंग हो रही है, कॉलिंग हो रही है दोस्तों। देखिए वो स्पॉटेड डियर जाते हुए आगे रोड पर है, एक बच्चा है और एक बड़ा वह है हिरन। तो चले आगे की ओर, जब मोर को देखें। पहले मैं मोर को बनाऊंगा, वो चला जाएगा यार, वो रोड क्रॉस कर चुका है, उसको बना लेंगे हम। दिख रहा है ना फॉरेक्स से। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए मोर, अब ऐसा होता ना दिन, क्या करूं मैं, इतना लालच आ जाता है दोस्तों। डियर्स जो कि मतलब माँ और बच्चा दोनों यहाँ से अभी बोर्ड के पास से निकल के गए। खतरनाक फॉरेस्ट है ये, देख कर ही पता लग रहा है कितना घना है। देखिए दोस्तों जंगल ही जंगल, खतरनाक जंगल। मैं देखता हूँ क्या पता हो सकता है किनारे पे मिल रहा है। वो हम मोर देख रहे थे ना, मोर के चक्कर में डियर्स को मैं कहता रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपका। मिस नहीं हुआ, दूर से ले लिया। अच्छा ले लिया है तो सही है। हमारे छोटे भाई का हाथ में कैमरा था कि राइट हैंड साइड पीकॉक था। ये कॉलिंग, कॉलिंग हो रही है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से कॉलिंग हो रही थी अभी। ये पत्तों के चटकने तक की भाई साहब आवाज डरा देती है जब कॉलिंग होती है टाइगर की। शायद अंदर चलेगा डियर्स। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, देखते हुए चलना। देख रहे दोस्तों कि ये हुई कॉलिंग, ये दोस्तों देख रहे हैं आप ये कैसी मिट्टी कट जाती है पानी से। क्या हमें टाइगर मिलेगा? देखो जंगल तो बहुत शांत है, हवा तो बहुत प्यारी चल रही है। बंदा देखो पर बैठा, उसको देख रहे हैं आप कितना गुस्से में देख रहा है। यह है जंगल के वॉचमैन, चौकीदारी कर रहे हैं पेड़ पे बैठ के। जंगल कितना शांत है दोस्तों, हवा आ रही है सिर्फ, पक्षियों की आवाज़, वो बंदर बैठा है शांत। वो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कॉलिंग कहाँ। कॉलिंग हो रही है दोस्तों मोर की, मोर हैं किसी हो रही है। तो दोस्तों देखते हैं, बाबा बस बस आराम से आराम से। तो रोड मैंने जैसा बताया आपको दोस्तों नैरो है, कॉलिंग की वजह से जा रहे हैं दोस्तों। हो सकता है टाइगर पीछे मिल रहा है, कॉलिंग हुई है, पर स्पॉटेड डियर की नहीं हुई वो बात अलग है, क्या पता वो भी हो जाए क्योंकि स्पॉटेड डियर भी आसपास ही थे उधर। बहुत हार्ड कॉल हुई है ये, देखिए धूप इतनी तेज है। तो ये जो हमने पीकॉक बनाया उसी की कॉल करी हो शायद, आवाज़ बहुत तेज होती है पीकॉक की। जी हाँ, हमने आपको पहले भी इवनिंग ब्लॉग, जो इवनिंग के ब्लॉग बनाए थे हमने, उसमें आपको जो आवाज़ मारते हुए मतलब आवाज़ देते हुए कॉल देते हुए दिखाया है पूरा वयस्क मोर। वो मोर जो था वो कहाँ है, क्या बैठा हुआ? देख रहा हूँ यार, यहीं बना रहे थे ना। हाँ यहीं पर रोक लेना, थोड़ी सी चौड़ी रोड है ना। दोस्तों यहीं से ही कॉल आ रही थी, हवा देखी ये हुई इधर से हो रही है लेफ्ट हैंड साइड से। तो दोस्तों अभी आपने कॉलिंग सुनी पिकॉक की वॉइस, जैसे ये कॉलिंग थी दोस्तों, जंगल से अंदर से आ रही थी। वो राइट हैंड साइड बड़ा खतरनाक जंगल है, अभी आपको इसलिए लग रहा साइड साइड ये पूरा फायर लाइन हो चुकी है पहले से ही, तो पत्ते कम हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा जंगल साफ दिख रहा है इसलिए है। इसका पर्पस भी आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि आने वाला जानवर आगे से दिख जाए बस। दोस्तों देखिए ये है माँ और बच्चे का प्यार, और ये देखिए यह है चौकीदार, क्या डायलॉग है, क्या मोमेंट है कि तो छोटा था प्यारा था 250 ग्राम का हो ए, देखा आए, आए। देखिए दोस्तों इनकी फैमिली, बच्चा कैसे खेल रहा है। यह है वाइल्ड लाइफ कितनी प्यारी है, देख सकते हैं आप बच्चा कैसे खेलने के लिए हट रहा है और उसकी माँ जाने नहीं दे रही अपने पास। ये देखिए कैसे लगा रही है, वाह कितने क्यूट है यार। कॉल, कॉलिंग हो रही है दोस्तों, वाह ऐसा मोमेंट दोस्तों नहीं मिलता किसी को, हर किसी को नसीब नहीं होता। ये देखिए वो दूसरा बच्चा भी टंगे
भाई साहब पूरा जोर लगा रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा खेलने के लिए कि मैं इधर हो जाऊँ, लेकिन जंगल में खतरा है इसलिए माँ अपने बच्चे को अलग नहीं करने देगी। ये देखिए मैं बना रहा हूँ। वाओ, जाने का मन नहीं हो रहा दोस्तों। क्रॉस कर इसको देख पहले, ये कुछ कहना चाह रहे हैं दोस्तों हमसे। दोस्तों देखिए स्पॉटेड डियर दिखाते हैं आपको अभी हम। दोस्तों देखिए वो घूम रहे हैं अंदर, वो अभी किनारे पर ही थे गाड़ियों को देख के, अंदर चले जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वाइल्ड लाइफ ऐसे ही सुंदर लगती है दोस्तों। देखिए एक पूंछ दिखी आपको, ये जा रहे हैं, छोटी छोटी फैमिली है। चलो आगे दिख रहा है, रुक जाओ यहीं से दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों एक माँ और एक बच्चा, अमेजिंग मोमेंट। एक और